मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताया, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने आईपी में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग में हमारे चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया था। और चैप्टर नंबर 4 का नाम था स्टैक एंड क्यू। और जब स्टैक एंड क्यू को हमने शुरू किया था, तो मैंने आप सभी को इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर कराया था लास्ट क्लास में, जिस टॉपिक का नाम था नोटेशंस। क्या नाम था? नोटेशंस। और मैंने आपको नोटेशंस में बताया था, किसी एक्सप्रेशन को लिखने का जो तरीका है उसे ही हम नोटेशन कहते हैं। और ये तीन तरीके के हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और आपके पोस्टफिक्स। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है स्टैक। क्या नाम है? स्टैक। कि एक्चुअल में स्टैक होती क्या है। आप सबसे पहले अगर स्टैक को इमेजिन करना चाहते हैं और स्टैक को समझना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास 10 बुक्स हैं, 10 आपके पास किताबें हैं, और उन 10 किताबों को आप एक के ऊपर एक जमा रहे हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। जैसे आपने बुक 1 रखी, बुक 1 के ऊपर बुक 2, बुक 2 के ऊपर बुक 3, बुक 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 10। तो ये क्या बुक्स की स्टैक्स है। ऐसे घड़ी टाइप लगा देना उसकी। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं और वहां पे खाना वाना खाते हैं, तो हम प्लेट उठाते हैं ना, वो प्लेट एक के ऊपर एक रखी होती है, तो उसे हम कहते हैं पाइल ऑफ प्लेट। क्या कहते हैं? समूह। किसका? प्लेटों का। मगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो स्टैक होती है, जिसमें डेटा, अभी जो प्लेट और जो बुक्स है ना, आप इनको समझो डेटा, नंबर्स जो एक के ऊपर एक रखे हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टैक कहते हैं। तो आप समझते हैं, तो आप ध्यान रखना स्टैक का मतलब क्या है। जब चीजें एक के ऊपर एक रखी हैं, तो हम उन्हें स्टैक ही कहते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना टॉपिक को समझने के लिए, जैसे प्लेट वाले ले लो, जब भी तुम शादी में प्लेट उठाते हो, वहां से पाइल ऑफ प्लेट में से, प्लेटों के बंडल में से, तुम बीच में से प्लेट खींचते हो या ऊपर की प्लेट ही उठाते हो? ऊपर की उठाते हो, तो स्टैक में से एलिमेंट प्लेट रखी भी ऊपर ही जाती है और उठाई भी ऊपर की प्लेट ही जाती है। तो कुछ बस तुम्हें दो ही बातें ध्यान रखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं स्टैक को। स्टैक एक्चुअल में कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली बात तो यौगिक है, और यौगिक में रेखीय है। मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था जब कहा था, जो आपका स्टैक है वो आपका किस में आता है? लीनियर के अंदर आता है, और कंपाउंड के अंदर आता है आपका लीनियर। तो ये ऐसा जो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है, इसमें एलिमेंट इंसर्ट भी यहीं से होता है और एलिमेंट रिमूव भी यहीं से होता है। कहने का मतलब है, इसका एक ही एंड है, एक ही दरवाजा है, और इसे हम कहते हैं टॉप एंड। क्या कहते हैं? टॉप एंड। इस टॉप एंड से ही एलिमेंट इंसर्ट होता है और इस टॉप एंड से ही एलिमेंट बाहर आता है। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका स्टैक। क्या होता है? स्टैक। एलिमेंट को इंसर्ट करने को स्टैक में कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश। ये जो पुश है, इस पुश से ही आपका एलिमेंट इंसर्ट होता है। तो मैं कहूंगा स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करो, नहीं, मैं कहूंगा स्टैक में एलिमेंट पुश करो। पुश का मतलब भी क्या है? इंसर्ट करना, स्टैक में एलिमेंट को डालना। मुझे स्टैक में से कोई एलिमेंट निकालना है, तो उसे मैं कहता हूं पॉप। क्या कहता हूं? पॉप। यह है आपका रिमूव। स्टैक में से किसी एलिमेंट को निकालना है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉप। तो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और एलिमेंट को स्टैक में से रिमूव करने के लिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। स्टैक के पास एक ही एंड होता है, जिस एक ही एंड से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, और एक ही एंड होता है जिससे एलिमेंट को पॉप किया जाता है। और इसकी यही विशेषता या इसका यही फीचर इसको बनाता है लीफो। क्या बनाता है? लीफो। लीफो का मतलब क्या है? लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले लास्ट में इन हुआ है, वो सबसे पहले स्टैक से बाहर आएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? लीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या फिर स्टैक भी कहते हैं। तो स्टैक ही लीफो है और लीफो ही स्टैक है। कुछ समझ आया?
एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ए की एंड है, ए की छोर है, जिससे एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने को पुश कहते हैं, और ए की छोर है जिससे एलिमेंट को हटाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। क्लियर है? और इसकी यही विशेषता इसको क्या बनाती है, लीफो बनाती है। लीफो से मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इसके अंदर गया है वो सबसे पहले इससे बाहर आएगा। क्लियर है बेटा? लेट अज्यूम हमें इस स्टैक में 4, 3, 2, 6 और 1 को इंसर्ट करना है। इंसर्ट नहीं, पुश करना है। क्या करना है? पुश करना है। सबसे पहले मैंने इसमें 4 पुश किया। अब मुझे एक बताओ, 4 यहीं रुक जाएगा या नीचे आएगा? ये तो पूरी खाली है, तो 4 कहां आएगा बेटा? नीचे आएगा। अब 4 पे मैंने 3 डाला, 3 पे मैंने 2, 2 पे मैंने 6 और 6 पे मैंने 1 डाला। तो सबसे लास्ट में मैंने किसको इंसर्ट किया? 1 को, लास्ट इन। अब मुझे बाहर निकालना है, तो सबसे पहले बाहर भी कौन आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि आपने उसको सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है। जो लास्ट में इंसर्ट हो रहा है वही सबसे पहले यहां पे बाहर आएगा, इसलिए स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहा जाता है। और बाहर निकालने को क्या कहेंगे? पॉप। क्या कहेंगे? पॉप। फॉर एग्जांपल मुझे 2 निकालना है, तो 2 निकालने से पहले मुझे 1 निकालना पड़ेगा, और 1 निकालने के बाद मुझे 6 निकालना पड़ेगा, और 6 निकालने के बाद यहां से 2 निकलेगा। देन फिर दोबारा मुझे 6 को पुश करना पड़ेगा, और देन फिर दोबारा मुझे 1 को पुश करना पड़ेगा। समझ आई बात है? नहीं, यही एक तरीका है स्टैक का, और स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से काम करता है। तो ये तो था स्टैक का परिचय, ये स्टैक का इंट्रोडक्शन। अब स्टैक पे हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 5 ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। हमारा फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसका नाम है पुश ऑपरेशन। अब पुश का मतलब आप सभी को पता है, स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना ही पुश ऑपरेशन कहलाता है। दूसरा ऑपरेशन है पॉप, स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करना, उसे डिलीट करना ही क्या कहलाता है, पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तीसरा है इस फुल, ये ऑपरेशन ये कंफर्म करता है या फिर ये चेक करता है कि आपने जो स्टैक बनाई है वो स्टैक फुल है या नहीं है, मतलब कि वो भरी है या नहीं भरी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस केस में स्टैक क्या है, फुल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक और कर लेते हैं, हम एक स्टैक बनाते हैं, यहां 3 है, 2 है, 4 है, 7 है, तो ये इस फुल है। किसके टॉप तक क्या रखा है? एलिमेंट रखा है, मतलब कि टॉप अगर मैक्सिमम है, आपका टॉप अगर मैक्सिमम है, टॉप तक आपके वैल्यू रखी है, तो इसका मतलब स्टैक क्या है, फुल है। क्या है? इट्स फुल। फोर्थ जो है वो है आपका इज एम्प्टी, ये चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां 3 रखा है, बाकी सब कुछ खाली है, और एक एग्जांपल और है इसमें सब कुछ ही खाली है, तो इज एम्प्टी पता है ये होगी, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इज एम्प्टी कहते हैं। यहां पे एक एलिमेंट है, इसका मतलब है एम्प्टी नहीं, मतलब पूर्ण रूप से खाली होना। और वो पूर्ण रूप से खाली कब होगी स्टैक? जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और पांचवा जो हम इस पे ऑपरेशन करते हैं वो होता है पीक। क्या होता है? पीक। पीक हमें ये बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या रखा है, उसे हटाता नहीं है वहां से, केवल बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या रखा है। तो इस केस में स्टैक के टॉप पे 3 रखा है, इस केस में 1 रखा है। समझ आई बात है? नहीं आई? तो ये हमारा स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसे हम लीफो भी कहते हैं। इसका एक ही एंड होता है जिससे एलिमेंट इंसर्ट होता है, जिसे हम पुश कहते हैं, और एक ही एंड होता है जिससे हम एलिमेंट को निकालते हैं, वो हमारा पॉप होता है। क्लियर है? स्टैक को करते वक्त उस पर हम 5 तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। पुश का मतलब है स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना, पॉप का मतलब है स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करना, और इस फुल का मतलब है ये चेक करना कि स्टैक फुल है या नहीं है। इस केस में स्टैक क्या है? फुल है। इज एम्प्टी ये चेक करता है कि स्टैक में कोई एलिमेंट है भी या नहीं है, और पीक हमेशा ये देख के बताता है कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक था जिसका नाम स्टैक था। अब हमारे पास स्टैक की एल्गोरिथम्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन 5 पे 5 एल्गोरिथम है,
ठीक है। तो पांच एल्गोरिथम जब डिस्कस करेंगे ना, तो ये पुश पॉप स्फुल इज एमटीपी कैसे काम करते हैं, ये आपको अपने आप समझ आने लग जाएंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन दिया है आपको स्टैक का, तो आई होप कि आप सभी को स्टैक का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।